ছত্তিশগড়ের সরকার থেকে বিদায় নেওয়ার কাউন্ট শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস সে রাজ্যে প্রচারে গিয়ে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ভাগাভাগি নিয়ে যে চর্চা চলছে তা নিয়ে এদিন খোঁচা দেন প্রধানমন্ত্রী মুঙ্গিরি জেলায় একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে কংগ্রেস যখন তার নিজের দলের শীর্ষ নেতাদের ছেড়ে দিতে পারে তখন এটি নিশ্চিত যে তারা জনগণকে ঠকাবে এবং তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে না তিনি আরও বলেন কংগ্রেস তাকে এতটাই ঘৃণা করে যে তার নামে সমগ্র ओबीसी সম্প্রদায়কে গালি দেয় প্রধানমন্ত্রীর কথায় কংগ্রেস मोदीকে ঘৃণা করে তারা এমন কি मोदी জাতিও ঘৃণা করতে শুরু করেছে গত কয়েক মাস ধরে কংগ্রেস मोदी নামে সমগ্র ओबीसी সম্প্রদায়কে গালিগালাজ করছে এমন কি আদালত তাদের এমন না করার নির্দেশ দেওয়ার পরেও তারা ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছে साथियों दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है मोदी तो ओबीसी है इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे यहां साहू समाज के साथ इन्होंने पांच वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई लोगों ने अवसर दिया लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया इन साव सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया गर्भ के समय हर माता को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में उनको मिल जाए ये काम हम कर रहे हैं लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ भी आप तक पहुंचने नहीं देती है क्योंकि उनकी पहली शर्त हर योजना में यही रहती है मेरा क्या योजना कितनी भी अच्छी हो पहले बताओ मेरा क्या और अगर मोदी कहता है तेरा कुछ नहीं तो होता कौन है ये जनता का पैसा है जनता को जाएगा तुझे एक कोड़ी पाई नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या कहता है पहले कहता है मेरा क्या फिर कहता है ठीक है मुझे क्या जाओ करो ये खेल खेलते हैं जी ছত্তিশগড়ে মোট সত্তরটি বিধানসভা আসনের মধ্যে কুড়িটির জন্য ভোট গ্রহণ হয়েছে সাত নভেম্বর বাকি সত্তরটি আসনে ভোট হবে সতেরো নভেম্বর বিউরো রিপোর্ট আর নিউজ